नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स रील। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं ABSL AMC स्टॉक के बारे में, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही लिस्टेड हुआ है और इस समय ये अपने लिस्टिंग प्राइस से डिस्काउंट पे ट्रेड होते हुए दिख रहा है। बहुत सारे लोग आप में से ही थे जिन्होंने ये कमेंट करा था कि अब क्या करूं, मैं इस स्टॉक में फंस चुका हूं, ट्रैप हो चुका हूं, एग्जिट करूं कि होल्ड करूं। ऐसा कंफ्यूजन मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। तो आइए इस एपिसोड में जानते हैं कि क्या सही में इस समय आपने एग्जिट करना चाहिए या फिर होल्ड करके रखना चाहिए, क्या सच में इस स्टॉक के अंदर आपको बिग रिवार्ड मिल सकता है, साथ में थोड़ा बहुत फंडामेंटल को भी समझने की कोशिश करेंगे। जब ये स्टॉक लिस्टेड हुआ था उसके बाद कंटिन्यूअस इस स्टॉक के अंदर जो है सेलिंग प्रेशर दिखा और वॉल्यूम नहीं के बराबर था, जिसके कारण जहां ये स्टॉक 715 के प्राइस पे लिस्टेड हुआ था वहीं से कंटिन्यूअस गिरते गिरते इसने 622 रुपए का 52 वीक लो बनाया। लेकिन इस समय इस स्टॉक को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मजबूती से इस समय ये स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड होते हुए दिख रहा है। इस स्टॉक के गिरने का सबसे कारण ये भी रहा कि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट इन कुछ दिनों में कमजोर सा दिख रहा था। इस समय अगर आप 15 मिनट के चार्ट को खोलेंगे इस स्टॉक के अंदर तो आप पाएंगे कि RSI अबव 60 है और ये 57.59 के प्राइस पे कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। मैं हमेशा से आपको कहता हूं, जितनी बड़ी कंसोलिडेशन उतना बड़ा अप ट्रेंड। ये स्टॉक इस समय रिवर्ट होते हुए दिखा है और पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है, अभी भी मैं कह रहा हूं कि अगले 6 से 8 महीने में ये स्टॉक आपको 1200 के ऊपर ट्रेड होते हुए दिख सकता है, क्योंकि फंडामेंटली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अभी अभी डिविडेंड भी 5.60 रुपया के आसपास मिला है और ये कंपनी अपने पीयर्स के अंडर वैल्यूड दिखता है, जहां फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए इस स्टॉक में डरने की बात नहीं है। कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो स्टॉक के गिरने से डरने की बजाय कोई भी कारण हो तो पहले स्ट्रेटेजी को समझे और कारण समझे, अगर फंडामेंटली वीक लग रहा है तभी डरे, बाकी नहीं तो होल्ड किए रख सकते हैं। अगर आपकी बाई 670, 80 या 700 के आसपास है और क्वांटिटी आपने हेवी ले लिया था तो यहां से थोड़ा बहुत क्वांटिटी आप 20-30% क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं, ताकि ये प्राइस अगर नीचे आए तो आप इसको एवरेज कर सकते हैं। लेकिन वही अगर इस स्टॉक का डिलीवरी परसेंटेज आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 55-60-70% के आसपास का डिलीवरी इस स्टॉक में कंटिन्यूअस बेसिस पे उठ रहा है। इसीलिए डरने की बात नहीं है, स्ट्रॉन्ग इस स्टॉक के अंदर जो है पोजिशन बनाए रखें और जो कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो 630 रुपए के स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें और टारगेट जो शॉर्ट टर्म में रहेगा वो 780-800 का टारगेट जरूर आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार।